ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्म वेलकम टू GlitzVisionUSA। तो हम आपसे जो सबसे पहली चीज़ ये पूछना चाहते हैं, एक बहुत ही आइकॉनिक शो के हिस्सा बन चुके हैं, सक्सेसफुल है वो, कब फर्स्ट टाइम था जब आपको लगा कि फाइनली यू आर इन योर यू नो कृष्णा का कैरेक्टर, वो एक अंदर से जो एक एक्टर को फीलिंग आती, तो आपसे स्टार्ट करना चाहिए। मैंने बहुत बहुत कोशिश की कृष्ण को अलग अलग एस्पेक्ट से समझने की, क्या कुछ नहीं किया मैंने, मतलब मेंटली लिटरली, मतलब वो मेरे लिए बहुत टफ था वो कैरेक्टर अंदर से पकड़ना। मैंने सोचा कि शायद दिमाग में कुछ भी ना रहे तो वो सर्टन कामनेस चेहरे पे आए, तो हल्की सी स्माइल जो चेहरे पे नॉर्मल हमेशा होती है कृष्ण के, जो मैंने जितने पढ़ी हैं देखी हैं, वो कैसे लाऊं, उसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया। पहले दिमाग शांत रखा, पूरा शांत रखा कि शायद कुछ भी ना आए दिमाग में, नहीं वर्क किया, उल्टा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर और तीन चार ऐसी चीज़ें मैंने ट्राई की, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने आइडियोलॉजी लाने की कोशिश की। वो पहला सीन था हम दोनों का साथ में, तब ये एक्चुअली कृष्ण मुझे एक होता ना एक कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो मैं फील किया। पहला सीन था मार्केट का जहाँ पे राधा कृष्ण से पहली बार मिलता है, वो सीन था वहाँ पे, एंड आई एक्चुअली क्राइड एट दैट पर्टिकुलर सीन। उसके बाद ऐसा नहीं कि वो एक ही बार हुआ, वो ऐसा कई बार हुआ, पर दैट वाज द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड, एंड टिल नाउ द कैरेक्टर स्टिल समवेयर, यू नो, समवेयर आई फील दैट टू पीपल फाइटिंग इनसाइड, यू नो, आई ट्राई टू मर्ज देम टुगेदर, आई ट्राई टू अप्लाई द कृष्णा टीचिंग्स टू सुमेध सो इट वर्क्स, बट यस आई एम हैप्पी। ऑनेस्टली मुझे बहुत टाइम लगा इस चीज़ को लेके, इवन व्हेन आई केम ऑन शूट, हमने शूट स्टार्ट कर दिया तब भी मैं नहीं हो पाई कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, बट मैंने जब बीच बीच में गोलोक के फ्लैशेज आते थे या तब मुझे लिटरली फील हुआ कि नहीं, तब वो अंदर से वो फीलिंग आती थी, वरना बाहर से मैं खुद को कन्विंस नहीं कर पाती थी कि मैं ना मैं उस कैरेक्टर में ढल पा रही थी पूरी तरह, बट मुझे बहुत टाइम लगा। एंड जैसे राधा क्रोध मुक्त, भय मुक्त, अहंकार मुक्त, ये सब होती गई, वैसे तो मैंने भी बहुत से चेंजेस देखे जो कि मैं फ्लो के साथ जा रही थी, तो बहुत से बदलाव आए। ये मल्लिका ने ऑलरेडी ये स्टोरी बहुत जगह बेची है, बहुत जगह मैंने बोला है, बेची है, तो नॉवेल्स बनेंगे इस पर लिटरली। मैं नहीं कहना चाहती पर मैं फिर कहूँगी कि कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था अनुभव मेरा, क्यों नहीं था, इसका लोग बहुत गलत तरीके से ये ले सकते हैं, बट मैं अभी उन चीजों पे नहीं, पहले बता, पहले क्लियर कर क्यों नहीं था। हाँ, फिर तुम एक्सप्लेनेशन दो कि मैं ऐसा था। मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, तुम बताओ, लोग कुछ भी सोच सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। एक होता है कि एक तो पहला शो था, ऊपर से मुझे था कि मैंने कभी काम को सीरियस नहीं लिया और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, तो मुझे ऊपर से मुझे ऐसे को एक्टर मिले जो हमेशा अपने क्या बोलूँ मैं, तो उस टाइम बोलो नहीं क्लियर करो पूरी बात, अपने उसमें ही रहते थे, जोन में रहते थे, और ऊपर से छोटी छोटी चीज़ का बुरा लग जाना, छोटी छोटी चीज़ पे भड़क जाना, तो वो ज़्यादा अच्छे दिन नहीं थे, बट धीरे क्यों नहीं थे, क्योंकि काम कर रहा था, काम पे ध्यान था पूरा, क्लियर पूरी तो इसका कहने का मतलब है मेरा काम पे ध्यान नहीं था। नहीं ये नहीं कह रही, ये नहीं कह रहा हूँ, तूने कहा कि पहले दिन बुरे थे क्योंकि ये सिर्फ अपने काम में रहता था, हाँ। इसका क्या मतलब निकाले, मैं बस बहुत कुछ है बोलने को मत बोलो सॉरी ओके। तो अब लेकिन इंप्रेशन चेंज हुआ डेफिनेटली जो भी पहले था, बेसिकली क्या था ना शुरुआत में, नहीं मुझे घुलने मिलने में नए लोगों में बहुत टाइम लगता, नहीं तो तब तक मैं थोड़ा अकेला रहना ही पसंद करता हूँ, अगर मैं सामने वाले को ना जानूँ अच्छे से तो वो काफ़ी सेंसिटिव है, शान सी अच्छी सी इनोसेंट सी बच्ची है, तो उसको ऐसा लगा कि कितना रूड आदमी है यार, ऐसा कैसे कर सकता है, इतना एटीट्यूड में रहता है, सिर्फ काम टू काम, हाँ गुड मॉर्निंग, ये वो, तो उसको थोड़ा बुरा लगा था उस टाइम। माय फर्स्ट इम्प्रेशन सच बताएं झूठ बताऊं, सच बोलो, सच बताता हूँ, मुझे नहीं पता था, मतलब मल्लिका में शुरुआत में मल्लिका को मैंने ऐसे देखा ना एज अ पर्सन कि उसमें वो ग्रोथ, वो अंडरस्टैंडिंग, वो मैच्योरिटी मेरे सामने बढ़ी है, जितनी भी आज है वो मेरे सामने यहाँ से यहाँ तक गई, सो आई हैव सीन हर एज अ कम्प्लीट चाइल्ड एज वेल, आई हैव सीन हर वेल ग्रोन अप, मैच्योर्ड, अंडरस्टैंडिंग वर्क, अंडरस्टैंडिंग लाइफ,
एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी इट. मैं हर बार मेरे ख्याल से मैंने कहा है ये चीज़ कि आई वॉन्ट टू सी यू ग्रोइंग. कहा है नहीं कहा है वो बोलो. हाँ कहा है. तो एंड दैट्स हाउ इट वॉज. शुरुआत में मलिका काफ़ी ऐसे ये थी. आई लाइक टू स्टे इन माई वर्क जोन बिकॉज यू नो यू डोंट मीट अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ गुड इंटेंशंस फॉर यू राइट. सो इट्स इनिशियली आई कीप माई सेल्फ लिटिल बिहाइंड बट धीरे धीरे देन वी गॉट वेरी यू नो वी नाउ शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड. वी अंडरस्टैंड ईच अदर वेल. वी सपोर्ट ईच अदर वेल ड्यूरिंग द सीन्स एंड येस विदाउट मलिका देर वॉज नो राधा कृष्ण. मलिका वो है कि मेरा है कि मैं थोड़ा हूँ शॉर्ट टेम्पर्ड कभी कभार एज इन वो कहीं अफेक्ट नहीं होगा बट जब मैं थोड़ा बुरा फील करता हूँ किसी चीज़ की वजह से या कोई भी सेट पे अगर बुरा फील कर रहा है तो मलिका इज़ द वन हु उसको जाके थोड़ा कि शी मेक्स देम कि थोड़ा अरे जाग जाओ अरे क्यों उठे हो अरे शांत हो जाओ एंड दैट्स समथिंग शी डज रियली वेल एंड दैट्स नॉट आउट ऑफ ड्यूटी द वेरी फर्स्ट थिंग. शी इज़ लाइक दैट. वो उसको वो किसी के बारे में केयर करती है और वो उदास है तो वो उसको नहीं देख सकती वैसे. आई वॉन्ट मैंशन एनी पर्टिकुलर क्वालिटी द कम्प्लीट हिम आई वुड से. ओके ओके लास्टली द मोस्ट झूठ बोलने लगे मैं जा रहा हूँ. नहीं अब रह जाइए बहुत बैठ के हमने अपने शॉर्ट टेम्पर्ड स्टिल एंड वेरी मिसअंडरस्टैंडिंग पर्सन. मिसअंडरस्टैंडिंग तुमने एक पहले इंटरव्यू में बोला मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ. मूड के हिसाब से बोल तुम बहुत मूडी हो. नहीं मूडी नहीं हूँ. जितना 50% अंडरस्टैंडिंग है उतना 50% मिसअंडरस्टैंडिंग. देयर इज नथिंग एज सच एनोइंग थिंग इन हर. इट्स जस्ट हर यू नो. इट्स जस्ट आई एम ट्राइंग टू से दैट यू नो शी हैज सर्टन थिंग्स इन लाइफ एज हर प्रायोरिटी. That she wants to do this, she wants to do this, she wants to, and she fights with them, her own thoughts. But kabhi-kabhi wo ye thoda issue ho jata hai. So that annoys me sometimes. But I'm not saying that that's something annoying in her. That's something annoying to me. Okay. She is fine the way she is. Okay.